एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? यस बच्चों, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है बच्चों? वेरी गुड, सिट प्रॉपर पोजीशन एंड विजिबल योर वीडियो। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ में। हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स के अंदर हमने बात की थी प्यारे बच्चों थॉमसन मॉडल की। थॉमसन ने क्या बताया कि थॉमसन ने एक बताया जैसे कि वाटरमेलन हो सकता है। वाटरमेलन के अंदर एक पॉजिटिव स्फेयर के रूप में इडिबल पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव स्फेयर के रूप में इडिबल पार्ट होता है, जो रेड रेड कलर का जो होता है, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, उसने उसको पॉजिटिव चार्ज बताया। ठीक है, और उसके अंदर जो सीड एम्बिडेड थे, ठीक है, सीड जो धसे हुए थे, उनको उसने क्या बोला प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स बोला, या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसने बताया कि एटम होता है वो एक प्रकार से क्या, तो प्लम की तरह हो सकता है, जो क्रिसमस की स्वीट होती है, मिठाई होती है। क्या एक वाटर की तरह हो सकता है, वाटरमेलन की तरह हो सकता है, जिसके अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है, और जो उसके अंदर जो सीड होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं, उसको क्या बताया उसने? इलेक्ट्रॉन। सीधी भाषा में बोल सकते हैं जो खाने वाला पार्ट है उसको उसने प्रोटोन बताया, और जो बीज होते हैं उनको उसने क्या बताया प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स बताया। ठीक है, लेकिन कभी भी एक ही एटम के अंदर प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों? अलग अलग होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव कभी मिल जाए आपस में तो एक प्रकार से एटम भ्रष्ट हो सकता है, फट सकता है। ठीक है, उसमें मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे ये मेरे ऊपर एक प्रकार से डस्टर है, ठीक है, तो इसके ये भी एक प्रकार से एटम से मिलके बना होता है, तो ये क्या एकदम से उछल सकता है क्या? इसको जब तक मैं इसमें कुछ मूवमेंट ना करूं तो ये एक प्रकार से स्टेबल रह सकता है क्या? यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनमें दोनों एक साथ पाए जाएंगे तो क्या स्टेबल हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये प्यारे बच्चों मॉडल फेल हो गया था। कोई भी चीज़ अचानक से कुछ होती है तो उसमें मूवमेंट होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो एटम होता है प्यारे बच्चों वो स्टेबल होता है। यदि स्टेबल नहीं होता तो उसके अंदर मूवमेंट होती, और जैसे कि टेबल है या कुर्सी है वो अचानक से चल पड़ती। ठीक है, तो क्या अभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि उसने कौन कौन सी बातें बताई थी थॉमसन ने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम उनकी बात करते हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों हम एंटर करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी दो तीन लाइनें हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों साइंस, और बच्चों आपकी क्लास है 9th क्लास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, तो ये मॉडल प्यारे बच्चों किसके द्वारा दिया गया था? ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था, और थॉमसन ने कौन सी दो बातें बताई उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थॉमसन प्रपोज डेट, थॉमसन परपोज्ड डेट क्या बताया उसने प्यारे बच्चों? पहला पॉइंट लिखना है अपने को, एन एटम कंसिस्ट, एन एटम कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर स्फेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बिडेड का मतलब होता है धसे होना, एम्बिडेड इन इट। ठीक है बच्चों,
ये वैसे ही है जैसे एक रेड एडिबल पार्ट होता है उसके अंदर सीड होते हैं, ठीक है। उसने रेड एडिबल पार्ट को उसने पॉजिटिव स्फीयर बताया और जो उसके अंदर जो सीड थे उसने उसकी कंपैरिजन की किससे की बच्चों, उसकी कंपैरिजन की इलेक्ट्रॉन से। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया प्यारे बच्चों, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेज आर इक्वल होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, एक आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका जो परिमाण होता है वो इक्वल है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मैग्नीट्यूड। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है बच्चों। ये बातें बताई थी किसने, थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या बताया कि एटम की कंपैरिजन उसने किससे किया, क्या तो वाटरमेलन से किया, क्या प्लम से किया, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया बेटा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब जो एटम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड, मतलब उसके अंदर धसे होते हैं, ठीक है बच्चों। ये पहली बात बताई उसने। दूसरी क्या बताई बच्चों कि उसके अंदर जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो पूरा जो एटम है वो क्या होगा प्यारे बच्चों, न्यूट्रल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब बताया था किसने, बताया था प्यारे बच्चों, ये बताया था थॉमसन ने। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नए मॉडल के अंदर एंटर करते हैं जिसका नाम है प्यारे बच्चों रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। हाँ बच्चों, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ठीक है बच्चों। रदरफोर्ड ने क्या बताया, क्या ना बताया, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सभी बच्चों ने इसका सूट ले लिया क्या? हाँ बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मॉडल है उसकी। समझ लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। ध्यान यहीं पे रखना कि रदरफोर्ड ने क्या बताया। ये है हमारा नंबर दो मॉडल। हाँ बच्चों, ये जो मॉडल दिया गया था वो दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है, उन्हीं के नाम के आधार पर। किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है बच्चों। हाँ, दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था। अब उसने क्या बताया बच्चों, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। मतलब उसने गोल्ड की क्या ली थी बच्चों, पन्नी ली थी, पॉलीथीन, ठीक है, गोल्ड की फॉइल, ठीक है। क्यों ली थी? गोल्ड की जो फॉइल होती है जो सबसे थिन होती है, उसने गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली? क्योंकि वो सबसे क्या होती है प्यारे बच्चों, थिन होती है, ठीक है।
क्या होती है, वो सबसे थिन होती है, इसलिए उसने क्या लिया, गोल्ड की फॉइल ली। अब गोल्ड की फॉइल की यदि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट बेटा ऐसे होता है, बताता हूं मैं आपको कि जैसे ये गोल्ड गोल्ड की फॉइल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल गोल है, ठीक है बच्चों, जैसे गोल्ड की फॉइल ऐसे है, ठीक है, ऐसे माना कि ये गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, उसके अंदर एटम का अरेंजमेंट ऐसे होता है जैसे, और ये उसका क्या है, अंदर की तरफ कुछ उसके अंदर है, अंदर का पार्ट है ये, ठीक है, क्या है क्या नहीं है अभी कुछ नहीं पता, ये जो मैं रेड रेड लगा रहा हूं यहां पे, ये इसका न्यूक्लियस है वैसे, है ना, लेकिन न्यूक्लियस बाद में उसने सोचा कि इसके अंदर कुछ इंटरनल चीजें हैं जिसको उसने न्यूक्लियस नाम दिया था। हाँ बच्चों, यदि हम गोल्ड की फॉइल को, गोल्ड की पन्नी को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है बच्चों, ये एक प्रकार से गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, दिस इज द फॉइल ऑफ गोल्ड, इट इज थिन, ठीक है, ये बहुत पतली होती है, इसलिए उसने मतलब चांदी की फॉइल ना ली, उसने कॉपर की फॉइल ना ली, उसने एल्यूमिनियम की नहीं ली, उसने ली यहाँ पे गोल्ड की फॉइल। अब उसने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की, ठीक है, मतलब इसके ऊपर बम्बार्टमेंट की किनकी बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल के रूप में उन्होंने लिया था हीलियम प्लस टू का एटम लिया था, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले, ठीक है बच्चों, तो जब उसने अल्फा पार्टिकल डाले तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, बिल्कुल सीधे, ठीक है, बिल्कुल उनके रास्ते में कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल ऐसे सीधे निकल गए, ऐसे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने अल्फा पार्टिकल डाले, और डालने के बाद इधर से डाले उसने, और इधर से क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे बाहर निकल गए। हाँ बच्चों, उसने 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की, क्या की बच्चों, उसने उसने उसकी बोछार की। अब बोछार करने के बाद उसने देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे मतलब जो एक प्रकार से ऐसे गए और जाने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए, कैसे हो गए बच्चों, ऐसे सीधे गए और जाने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और कुछ जैसे यहां पे ऐसे गए और जाने के बाद इससे टकराए, टकराने के बाद फिर इधर डिफ्लेक्ट हो गए, और 20,000 में वन अल्फा पार्टिकल ऐसा था बेटा, वन अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि वो जैसे गया, जैसे मान लो ऐसे गया, इसको इस पे सिद्ध मिलाओ, ठीक है, ये जैसे ऐसे गया और जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। तब उसने सोचा कि एटम का अधिकांश भाग कैसा होता है प्यारे बच्चों, वॉइड होता है, खाली होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो सेंटर पार्ट होता है बच्चों, सेंटर पार्ट कैसा होता है, उसके अंदर कुछ होता है, सेंटर पार्ट के अंदर कुछ चीज होती है जिसको उसने बच्चों बाद में क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया, क्या दिया बच्चों उसको नाम, न्यूक्लियस दिया, कि जो एटम का जो मिडिल पोर्शन है या सेंट्रल पोर्शन है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, प्रोटोन, हमने पढ़ा था ना कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, एटम की सेल के अंदर, ठीक है बच्चों।
तब उसने ये कंक्लूजन निकाला कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। क्यों? क्योंकि अधिकांश एटम का भाग कैसा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल खाली है। लेकिन उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डेविएट हो गए। डेविएट का मतलब कुछ एंगल से डेविएट हो गए, ठीक है। जैसे ये ऐसे गया और उसके बाद में ये कुछ एंगल से डेविएट हो गया, ठीक है। और जैसे ये गया तो ये कुछ एंगल से डेविएट हो गया। कुछ ऐसे भी थे जो 90 डिग्री से डेविएट हो गए, जैसे ऐसे गए और जाने के बाद ऐसे चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जबकि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जैसे वो गया, जाने के बाद उससे टकराया और टकराने के बाद वापस आ गया, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि जो एटम होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है और बीच में उसके सेंटर में कुछ चीज़ होती है जिसको उसने न्यूक्लियस दिया, और न्यूक्लियस में बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सभी बच्चों के? यस एवरीवन। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बिल्कुल समझ में आ गया है, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, दोबारा से देख लो यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान, जिनके समझ में नहीं आया है वो बिल्कुल स्क्रीन पे देखें, ठीक है। लेकिन अधिकांश बच्चों के समझ में आ गया है, एक दो बच्चे ऐसे हैं, एक ही बच्चा ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया, ठीक है। उस बच्चे को मैं दोबारा समझाता हूँ, कौन है वो बच्चा, स्माइल कर रहा है। हाँ बच्चा देखो, ये क्या है, एक प्रकार से रदरफोर्ड मॉडल है, और रदरफोर्ड मॉडल किसने दिया था, दिस मॉडल इज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। उसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट किया प्यारे बच्चों, किस पे किया था, गोल्ड फॉइल। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था प्यारे बच्चों, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी पे। क्यों किया, क्योंकि जो सोने की जो पन्नी होती है, गोल्ड की जो फॉइल होती है, वो थिन होती है, पतली होती है। हमने पढ़ा था कि जो मेटल होता है मैक्सिमम डक्टाइल होता है, ठीक है। मैक्सिमम डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है प्यारे बच्चों, गोल्ड ही है, ठीक है। हाँ यस वेरी गुड। यस वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल के रूप में उसने बच्चों लिया हीलियम का नाभिक लिया, ठीक है, हीलियम लिया, हीलियम का एटम। उसने क्या किया, सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी को जब देखते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, एक्सपेरिमेंट लगाने के बाद उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले ऐसे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकले, तो ये अल्फा पार्टिकल, अधिकांश अल्फा पार्टिकल इसमें से आर पार चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल आर पार के हुए। जैसे देखो, अब ऐसे समझो, यदि जैसे खेतों में बाड़ करते हैं ना, खेतों में फेंसिंग होती है एक प्रकार से, बाड़ करते हैं ना, तारबंदी लगाते हैं, तो जैसे तारबंदी है ऐसे। अब हमारे हाथ में 10 पत्थर हैं, ठीक है बच्चों, और हमने आंख बंद करके ऐसे मारने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया हमने। अब क्या सभी पत्थर उस पर लगेंगे, क्या सभी पत्थर आर पार जाएंगे ना। हाँ, मान लो एक पत्थर ऐसा आएगा, वो टक लगेगा ऐसे, उस तार पे लगेगा और वापस आएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे ही एटम होता है, ठीक है बच्चों, एटम भी ऐसे ही होता है, एटम का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है, इसलिए अल्फा पार्टिकल आर पार चले जाते हैं। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था 20,000 में, जैसे गया वैसे वापस, मतलब रिबाउंड 180 डिग्री, ठीक है। कितना एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, 180 का, मतलब 180 का एंगल ये तो होता है, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। तो ये एंगल कितने का है प्यारे बच्चों, 180 का, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था कि जिसमें 180 का एंगल बन रहा था। अब तो समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया सभी बच्चों के, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जयपुर बोल रहा है मेरे को, जयपुर हूँ, अरे मोहित। अब इसके बारे में हम एक एक लाइन लिखते हैं, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही बच्चों बताया था कि एटम के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है, जिसको उसने नाम क्या दिया मेरे बच्चों, उसको न्यूक्लियस नाम दिया, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सेल के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम इनके बारे में पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखेंगे कि दिस मॉडल इज गिवन बाय सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सबसे पहले पॉइंट ये लिखेंगे। क्या आप लिख लोगे ये पॉइंट,
चलो मैं लिखवाता हूँ, है ना। हाँ देखो बच्चों, पहला पॉइंट है इसके अंदर, दिस मॉडल इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था मेरे बच्चों? दिस मॉडल इज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सर और लगा लेना इसके सारे, सर अर्नेस्ट, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है बच्चों, दिस मॉडल इज गिवन बाय सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है, रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया फॉर दिस, इसके लिए। ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के रूप में ब्रैकेट में कर लेना HE+2। ठीक है बच्चों, टू फॉल का मतलब गिराना, टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। किस पे गिराया प्यारे बच्चों? उसने गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि गोल्ड फॉइल एक प्रकार से थिन होती है। ठीक है बच्चों, हाँ तो यहाँ पे देखो, ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना पतला होना चाहिए। तो सोने की पन्नी ही थी जो पतली थी। दिस गोल्ड फॉइल वाज, इसकी मोटाई कितनी थी? दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम। ठीक, मतलब एटम बिल्कुल कितने होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो 1000 एटम के बराबर थी उसकी मोटाई, बिल्कुल चिन्नी सी दिखती नहीं है। ठीक है, तो 1000 एटम थिक। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये पॉइंट पहले नोट करो आप, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से देखो सर, सभी देखेंगे। दिस मॉडल इज गिवन बाय सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसको क्या बोला उसने, रदरफोर्ड डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के रूप में क्या लिया था उसने? HE+। मतलब रदरफोर्ड ने कौन सी फॉइल ली बेटा? गोल्ड की। कौन सा किसकी बम्बार्डमेंट करवाई उसने? हीलियम की, अल्फा पार्टिकल के रूप में, टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल। उसके बाद ही सिलेक्टेड, उसने गोल्ड फॉइल क्यों चुनी? ठीक है, वाई सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल, ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल, इसका आंसर यहाँ पे है, ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना पतला होना चाहिए। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, मतलब ये जो गोल्ड फॉइल थी उसकी मोटाई कितनी थी प्यारे बच्चों? 1000 एटम के बराबर। ठीक है, इतना सभी का हो गया? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन। इसी में आगे पॉइंट लिखवाएंगे। ठीक है, यही मॉडल चल रहा है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर नीचे जगह नहीं होती है, नीचे का तुम्हें फिर दिखता भी नहीं है ना। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज, ये आ जाएगा इसमें कि जो अल्फा पार्टिकल था वो कैसा था। अल्फा पार्टिकल आर डबली
चार्ज्ड हीलियम आयंस, ब्रैकेट में लिख लेना Hg+2। ठीक है बच्चों, सिंस दे हैव ए मास ऑफ, हीलियम का मास कितना होता है जल्दी से बताओ मेरे को टाइप करके, जल्दी से कमेंट करें व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम, बताओ जल्दी से। हीलियम का मास 4 होता है, 4 होता है, ठीक है, हाँ 4 होता है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने देखो तुरंत कमेंट करते हैं, सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4 यूनिट, ठीक है, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल 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 अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना प्यारे बच्चों, इट वाज एक्सपेक्टेड डेट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द मतलब डिफ्लेक्शन हो गया उसके अंदर, अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे लेकिन एक दो अल्फा पार्टिकल था उसमें डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड फॉइल। और सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था प्यारे बच्चों, उसके अंदर न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर क्या था, प्रोटॉन था, ठीक है, पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स इन द गोल्ड एटम्स। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करें आप इसको, गोल्ड एटम्स सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर भारी था, ठीक है बच्चों, हैवियर देन द प्रोटॉन्स ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज रिफ्लेक्शन मतलब उसने देखा कि डिफ्लेक्शन एक दो ऐसा पार्टिकल था जिसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा था, ठीक है, कुछ तो 180 पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 180 पे रिबाउंड हो रहा था और बाकी के कुछ 90 के ऊपर कुछ 120 के ऊपर क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे सीधे गए, सीधे जाने के बाद 90 डिग्री के एंगल पे सीधे गए 120 सीधे गए और जैसे गए वैसे ही वापस, जिस मतलब 180 की डिग्री पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है, 180 का मतलब जैसे गया वैसे ही वापस, ठीक है बच्चों, हाँ। तो यहां पे मैंने लिखा अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, मतलब क्या होता है वहां पे, हीलियम आयन होता है, ठीक है, सिंस दे हैव इसका मास कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 यूनिट, ठीक है, कितना मास होता है इसका, 4 होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग, सबसे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल होता है, इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड डेट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाई द सम एटोमिक, मतलब जैसे ये कोई एटम है और इसके अंदर ये क्या था, न्यूक्लियस, तो अधिकांश तो सीधे चले गए लेकिन एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था तो जैसे गया
और वैसे ही वापस आ गया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो जैसे जैसे यहाँ से टकरा गया और टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। यदि हम गोल्ड फॉइल का एक एटम बाहर निकाल लें और उसके ऊपर ऐसे देखें तो ऐसे लगता है कि एटम का अधिकांश भाग बच्चों क्या है, खाली है, तो अल्फा पार्टिकल आर पार चले जाते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन एक दो अल्फा पार्टिकल थे जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था और एक ऐसा था जिसमें जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे और इसके नीचे वो आप डायग्राम बना लेना, मैंने जो बनाया था फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में जो डायग्राम बनाया था गोल्ड फॉइल का, वो डायग्राम इसके नीचे आप बना लेना और बुक के अंदर भी आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है, सभी का हो गया बच्चों, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। हाँ बच्चों, अब उसके बाद देखो कि उसने जब अल्फा पार्टिकल्स स्केटरिंग की, ठीक है, तो उसके अंदर उसने क्या क्या मतलब क्या क्या ऑब्जर्व किया, मतलब जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट की उसके बाद में उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व यही किया कि एटम का अधिकांश भाग वॉइड होता है, ठीक है, और उसके बीच में कुछ पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल होता है जैसे प्रोटॉन होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम उसके बारे में लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन के रूप में क्या क्या आता है। हाँ पहला देखो बच्चों, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ द मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए उसमें से आर पार, पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है बच्चों, अधिकांश अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से क्या हो गए बेटा, आर पार चले गए, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो दूसरा, देखो सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स का मतलब कोण होता है 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो उसको सरप्राइज हुआ, सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी ट्वेल्व थाउजेंड पार्टिकल्स, मतलब 12 कर लो या 20 कर लो, तुम्हारे एनसीईआरटी में 12 दे रखे तो 12 कर लो, ठीक है, 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों जैसे गया वैसे ही वापस होना, ठीक है, तो अपीयर टू रीबाउंड, ठीक है। तो ये कुछ इसका ऑब्जर्वेशन था बच्चों कि जब उसने अल्फा पार्टिकल डाले तो उसके अंदर क्या क्या उसको ऑब्जर्व करने को मिला, तो उसने ऑब्जर्व करने को मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट सीधे निकल गए, ठीक है, कैसे निकल गए बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, ठीक है, कोई उनके बीच में कोई बैरियर नहीं आया। यदि हमारे सामने कोई बैरियर नहीं आता है तो हम सीधे निकल जाते हैं, यदि हमारे सामने कुछ तार आ गए या कुछ ब्रेकर आ गया, बैरियर आ गए, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है ना, अरे होती है, नहीं होती है, हाँ, तो उसी प्रकार एटम्स के अंदर होता है। तो अल्फा पार्टिकल पास्ट बिल्कुल स्ट्रेट,
उसके बाद सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट, क्या हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, किसके द्वारा, बाय सम एंगल्स, कुछ कोण के द्वारा। नेक्स्ट है, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था, मतलब 12,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो क्या हो गया प्यारे बच्चों, रिबाउंड हो गया। क्यों रिबाउंड हो गया, कि उसके बीच में कुछ कुछ बैरियर आ गया, कुछ अड़चन आ गई। ठीक है बच्चों, आज इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।